आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नखरे वाली लड़की को अपने प्यार में कैसे पागल कर सकते हैं। अक्सर लड़कियां बहुत नखरे वाली होती हैं और किसी भी लड़के को जल्दी भाव नहीं देती, तो अगर आप भी किसी ऐसी लड़की को पसंद करते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताने वाली हूं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी खूबसूरत और नखरे वाली लड़की आपके पीछे पागल हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो बराए मेहरबानी इनसे कोई गलत मतलब ना लिया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लड़का लड़की को अपने से ऊपर रखता है, यानी लड़की को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और खुद उसके आगे बिछता ही चला जाता है, तो वो इनडायरेक्टली लड़की को ये शो करवाता है कि उसे कभी लड़की मिलेगी ही नहीं और उसकी लाइफ में कुछ भी उस लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लड़के के इस बिहेवियर से लड़की को ये मैसेज भी जाता है कि वो बहुत ज्यादा नीडी और डेस्परेट इंसान है, तो ऐसे मर्द को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती। इसलिए ऐसे मर्द से लड़कियां जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। जो मर्द देखने से ही नीडी और डेस्परेट नजर आ रहा हो, ऐसे मर्द को लड़कियां देखते ही रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि लड़कियों में लड़कों को ऑब्जर्व करने की पावर लड़कों से ज्यादा होती है। लड़के के इस तरह के बिहेवियर से लड़की ये समझती है कि इस लड़के की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी लड़की को हासिल कर ले। यानी दूसरे लफ्जों में ये एक शदीद सिंगल इंसान की निशानी होती है। इसलिए आपको लड़की को अपने बिहेवियर से ऐसे साइंस बिल्कुल भी नहीं देने और एक नीडी इंसान की तरह लड़की को लगातार कॉल पे कॉल और मैसेज पर मैसेज नहीं करने। इसके बरक्स आपको चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, लुक्स, बिहेवियर और माइंडसेट से खुद को चेंज करें। तभी लड़की जो पहले आपको भाव नहीं दे रही थी और आपसे बात करने में नखरे दिखाती थी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। ये बात याद रखें कि हर लड़की ये चाहती है कि जो मर्द उसका है या जिसे वो पसंद करती है, ये जो मर्द उसको पसंद करता है, वो मर्द उसके साथ फ्लर्ट करे, यानी उससे रोमांटिक वे में बात करे, उससे छेड़छाड़ करे और उसकी तारीफ करे। किसी लड़की के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप दोनों के दरमियान एक हेल्दी और गुड वे में फ्लर्टिंग का होना बहुत जरूरी है। यानी आप जिस भी लड़की को पसंद करते हैं, उससे अच्छे तरीके से बातचीत हो जाने के बाद उस लड़की के ज्यादा क्लोज होने के लिए आपको ये फ्लर्टिंग स्किल्स आनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप लड़की से किस टाइम में क्या रोमांटिक बात करेंगे कि जिससे आपकी पार्टनर ब्लश करे या आपकी पार्टनर को आपकी इस बात से सेंसेशंस हो। अगर आप फ्लर्टिंग स्किल्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। फ्लर्टिंग में माहिर होने के लिए आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना आना चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और लाउडली बात करना आना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अपने प्यार के इजहार में इन्हें लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें, तो हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। शुक्रिया।